हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू, और आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आपको पता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है, एक नवरत्न PSU है। ठीक, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट निकाली गई है वो 177 टोटल पोस्ट है, जिसमें किसी किसी पोस्ट में 12th मांगा गया है, किसी पोस्ट के लिए ITI आपके पास होना चाहिए, किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा और डिग्री मांगा गया है। फॉर्म आपका आज से ही स्टार्ट हो गया है, यानी 28 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, 25 अप्रैल होने वाली है। ठीक है, 25 अप्रैल आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो आगे पोस्ट की बात कर लेते हैं, पोस्ट कहाँ कहाँ निकली गई है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ ग्रेड 3rd की जो पोस्ट है, यहाँ पर तो जो पे लेवल होने वाला है वो 26,600 से 90,000 जो पे लेवल होने वाला है। यहाँ पोस्ट कोड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 12th के लिए जो है PCM से आपका 12th हुआ होना चाहिए, यानी 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने चाहिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर 15 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम डीजल मैकेनिक ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 54 हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें सिर्फ लोकल कैंडिडेट, असम के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल्स हैं। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डीजल मैकेनिक की यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट आई है, तो जो बच्चे डीजल मैकेनिक से हैं वो यहाँ पर फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है असम के कैंडिडेट्स के लिए। फिटर की आप बात कर लें तो फिटर में यहाँ पर 28 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए 25 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम वेल्डर की ट्रेड की बात करें तो वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की बात करें तो टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेड 5, यहाँ पर पे स्केल कितना रखा गया है, 32,000 से 1,27,000 तक पे लेवल यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो डिग्री वालों के लिए, ठीक, BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है। ठीक, मस्ट हैव मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन केमिकल एक्टिविटीज़ फील्ड। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 20। देन नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट विथ रिलेवेंट कोर्स ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे भी जो फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट जो हम लोग पीछे देखे थे वो सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए था, और इस वाले में क्या है, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 15 हैं। देन नेक्स्ट बात कर लें BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, यहाँ पर टोटल 8 सीट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों की। तो यहाँ पर पे स्केल कितना है डिप्लोमा वालों के लिए रखा गया है, 37,500 से 1,45,000 पे लेवल है। ठीक, यहाँ पर सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का उनके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 है, जिन्होंने मैकेनिकल से किया हुआ है उनके लिए 3 वैकेंसी है यहाँ पर, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट 3 हैं। तो यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हैं। ठीक, जिन्होंने ITI किया हुआ है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट कोड वाइज जो है आपका कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पर टोटल
दी गई हुई हैं। इसे इन नोटिफिकेशन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एज लिमिट एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट 30 रखी गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जनरली क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं वो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल की कितनी, 25 से 27 के बीच में रखती हैं। तो यहाँ पर जिनकी एज ओवर हो चुकी होती है, जैसे 30, देखिए यहाँ पर जनरल की एज 30 रखी गई है, और किसी किसी पोस्ट में देखिए यहाँ पर 32 रखी गई है। तो बहुत ही अच्छी जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर एज रिलैक्सेशन हो गया, ठीक, सिलेक्शन मेथडोलॉजी यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन, कितना जो है कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 20% का यहाँ पर होने वाला है। रीजनिंग अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 20% की आएगी। ठीक है, डोमेन एंड रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो 60% पूछा जाएगा आपके ट्रेड से। ठीक, तो यहाँ पर ट्रेड पे ट्रेड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ओवरऑल 100% हो गया है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, और द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बाई लैंग्वेज इंग्लिश एंड असमीज। ठीक, यहाँ पर जो CBT का लैंग्वेज होने वाला है वो इंग्लिश और असम के असमीज हैं। ठीक है, तो असम के कैंडिडेट्स के लिए ये अच्छा है। जो ड्यूरेशन रहेगा CBT का वो 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, टू आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा आपके CBT का। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में दिया गया है, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, तो ये असम के जो हैं बच्चे, वहाँ पर एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, वहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड बनवा सकते हैं, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से ले लेने के बाद जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉमन हैं, जो आपके पास पहले से ही होंगे, जैसे मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इन जनरल है। ठीक है, फिर आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह देखा जाएगा आफ्टर एग्ज़ाम। यहाँ पर आप फॉर्म जो है भर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की, वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मेन चीज़ें बता दी गई हैं। क्रूशियल डेट जो है बता ही दिया गया है, ये 25 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। बाकी कैसा अप्लाई करना है, क्या कैसे अप्लाई होगा फॉर्म वगैरह, ये आप इस डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।